हमारी विधानमंडल दल में जी विधायकों की बैठक हुई, हमारे विधानमंडल दल के अध्यक्ष हैं माननीय ठाकुर दलवीर सिंह जी, मैं भी बैठक में उपस्थित था जी। और हमारे यहाँ सत्तय हो गया है, आप परेशान न होइए जी, हम किसको कितना वोट देंगे कल सुबह हमारा तय हो जाएगा और हम इन दोनों पार्टियों को हमारे विधायक माननीय विधायक वोट देने जा रहे हैं जी। और हमने इसलिए निश्चय किया है कि उत्तर प्रदेश में जब हम विधान परिषद में मायावती जी की सरकार थी, राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार था जी। उसके बाद से राज्यसभा में खरीद फरोख्त बंद हुई थी जी। ये जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस तरह का गंदा खेल खेला है जी। जो चरित्र की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, उनके बड़े बड़े पदाधिकारी विधानमंडल दल के लोग किसी निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन करावें, तो ये खेल ना हो, इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल ने तय किया है कि हम उस खेल को रोकने के लिए। और मैं अनंत जी याद दिलाना चाहता हूँ, पिछली बार भी ये लोग ऐसे गुपचुप थे और जब राष्ट्रीय लोकदल ने तय कर लिया कि हम मायावती को समर्थन करेंगे तो आपने देखा खरीद फरोख्त बंद हो गई थी। कल देखना आप जो खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। राष्ट्रीय लोकदल के विधायक एकजुट हैं चौधरी साहब के आदेश पर, चट्टान की तरह हैं, जिसके यहाँ टूटन हो वो अपना अपना देखें ना, हम पिछले चुनाव में मुन्ना सिंह चौहान कहीं ना कहीं से खबरें तो ये भी आ रही हैं आप ही की पार्टी की तरफ से कि खुद आपकी पार्टी में एकजुटता नहीं है, आपकी पार्टी के विधायक भी टूट सकते हैं। देखो मैंने आपसे कहा था कि जब तक हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे जी, जो CPR है सेंट्रल पब्लिक रिलेशन कमेटी के तहत, और 6 को आए, जब तक हमारे नेतृत्व ने तय नहीं किया था तो चाहे जहां हो उस नेतृत्व तय नहीं किया था तो हमारे विधायक लखनऊ में थे भी नहीं। जब दिल्ली में बैठक हो गई उसी के बाद हमारे विधायक आज सब पहुंच गए ठीक है, और यहाँ विधानमंडल दल की बैठक हो गई। कल 10 बजे जो है हमारे विधानमंडल दल में हमारे विधायक आएंगे और एक साथ जाकर के वोट डाल देंगे।